अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे दोस्तों? हमीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो मेरे दोस्तों, अभी मैं जिद्दा के शर्फिया में खड़ा हुआ हूँ और ये जिद्दा की शर्फिया है, बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर मार्केट यहाँ पर है। और यहाँ पर ज़्यादातर हमारे इंडियन की रिहाइश यहाँ पर ज़्यादा है। तो अभी चलिए आप लोगों को शर्फिया दिखाते हैं। और काफ़ी सारी जगह तो यहाँ पर जो है अभी टूट चुकी है, फिर भी चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। इसका टाइम है, काफ़ी सारी यहाँ पर दुकानें बंद भी हैं, फिर भी आप लोगों को पूरा जो है कि घूम करके दिखाते हैं। हमारे दोस्त लोग जो है यहाँ पर काफ़ी बार आए हुए हैं, तो चलिए चलते हैं शर्फिया में और दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये मेरे दोस्तों जिद्दा की शर्फिया मार्केट, बहुत ही बड़ी, बहुत ही फेमस मार्केट है। और यहाँ पर अजनबियों का सामान ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली ज़्यादा है। जैसे जिद्दा में दो मार्केट बहुत ही फेमस है, एक सूक अल बलद और एक ये शर्फिया जिद्दा की, बहुत ही फेमस। अभी शर्फिया तो खैर काफ़ी बिल्डिंगें यहाँ पर, काफ़ी मार्केटें यहाँ पर तोड़ दी गई हैं, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ नया यहाँ पे डेवलप हो, लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ का बचा हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा एक एक गली घूम घूम करके दिखाता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे दोस्तों लाल वाली बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंगें, बड़ी अच्छी अच्छी यार, सब एक ही कलर में दिख रही हैं, पूरी लाइन से ही देखिए, पूरी एरिया जो है वही सफ़ेद ब्लू, सफ़ेद ब्लू, सफ़ेद बिल्डिंग और ब्लू धार खिड़की विंडो जो है। तो शर्फिया में हम लोग हैं, अभी चल रहे हैं यहाँ पे, पहले पाकिस्तानी होटल देखते हैं कहाँ पे है, फिर वहाँ पे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर आप लोगों को शर्फिया घूम करके दिखाते हैं पूरा। देखिए हमारे शकील भाई ये और हमारे मुन्ना भाई, काफ़ी देखिए मताम जमजम है यहाँ पे, और इधर भी ये कपड़े वगैरह की दुकानें हैं। देखिए ये तेरे से दुकान है। मुन्ना भाई ये चड्डा आपको चाहिए था ना, बाद में मुन्ना भाई बाद में चड्डा वगैरह लेंगे। पूरी शर्फिया की देखिए मार्केट है, सब एक ही कलर में यार, पूरी बिल्डिंग है। हाँ मुन्ना भाई, यहाँ पे सबसे फेमस चीज क्या है मेरे भाई? यहाँ पर ज्यादातर कौन लोग हैं? यहाँ पे इंडियन ज्यादा है यहाँ पे, थे ना लखनऊ वाले ना, शर्फिया में लखनऊ वाले कुछ ज्यादा ही थे यहाँ पे। ये देखिए जो भी लखनऊ वाले भाई साहब लोग देख रहे हैं, बताइएगा कि यहाँ पर कौन सी जगह पे आप लोग रहते हैं। ये शकील हमारा जो है हर वक्त टेलीफोन पे लगा रहता है। ये बूफी आला मोदी है, देखिए खाना है इंडिया का, लखनऊ इसमें खाना है, मतम मक्का सामने, मतलब मक्का है, गुफिया लमोदी है, उधर जो मशहूर तो होटल था वो टूट गया है, ये मतलब मक्का है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये मरकज शर्फिया बकाला है। और ये फ्रिज देख लीजिए यार, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पे पूरी एरिया में जो है ना, तोड़ दिया ना। हाँ मुन्ना भाई, कबूतर बात चल बस कर, मता मक्का कहाँ का होटल भाई? मता मक्का में चले भाई, यहीं पे खाना पीना पहले खाते पीते। माशाल्लाह, हाँ ये मता मक्का है मेरे दोस्तों, देख लीजिए ये वॉश बेसिन है हाथ वगैरह धुलने के लिए। अच्छा डेकोर अच्छा किया यार, साजिक देखो। ये मताम मक्का है और यहाँ पर मेरे ख्याल से जो इंडियन हमारे यूपी के रहने वाले हैं यहाँ पर ज्यादा आए हुए हैं खाना पीना खाने के लिए। शर्फिया में बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर है,
तो होटल वैसे वाकई में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका डेकोरेट वगैरह ना काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि छोटे छोटे में जो है कांच है उसकी डिज़ाइन बनी हुई है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। होटल में गोश्त वगैरह चाहिए ना तो यहाँ पे प्लेट के हिसाब नहीं मिलता है, किलो के हिसाब से, पाव किलो, आधा किलो, एक किलो, जैसे आप लेना चाहें उस हिसाब से मिलता है। पहली बार जो है देख रहा हूँ कि होटल में मतलब जो है कि किलो के हिसाब से। हाँ तो मतलब यहाँ भाई, लेकिन मैं वो अपने यहाँ जैसे ढाबा वाला हिसाब हो गया ना। हाँ ये चीज़ है, ये देखिए हमारा ऑर्डर आ चुका है। ये आधा किलो है बकरे का मीठा और ये दाल माछ है, कढ़ाई गोश्त। यहाँ पे किलो के हिसाब से इस होटल में मिलता है ऑर्डर, ऑर्डर देना पड़ता है किलो के हिसाब से, आधा किलो, पाव किलो, एक किलो, दो किलो, जितना आप पकवा के खाना चाहें, वजन करके बना करके पका करके ला करके देते हैं। मुंबई की कमाची रोटी, कमाची नहीं भाई तंदूरी है, तंदूरी रोटी है, कमाची बोल रहा है। और ये इसका रायता जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ व्यू यहाँ का दिखाते हैं आप लोगों को, जिद्दा अल मलाबिस अल जहरा, देख रहे पूरा शर्फिया का इलाका है। और उधर का तो पूरा टूट गया है, टूट के एकदम ख़त्म हो चुका है। माशाल्लाह, देख रहे किसी भी गली में आप जाइए, किसी भी गली में यहाँ पर जाने के बाद पूरा एक ही डिज़ाइन में सब बिल्डिंगें दिख ही रही हैं, वाइट और ब्लू, विंडो जो है ब्लू कलर में पेंट किया हुआ है, देख रहे हैं अलनूर मोबाइल शॉप। पूरी बिल्डिंग यार एक एक गली में, कोई भी गली में देखो पूरा एक ही कलर जो है कलर ही किया हुआ है। इधर भी वही हाल है, ये देखिए अल मशहूर अल मलाबिस, देखना किसी भी गली में जाओ यार, ये चीज़ मुझे अच्छा लगा पूरा, यानी बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा, सब एक ही कलर की बिल्डिंग है, डिज़ाइन अलग अलग है लेकिन कलर पूरा एक ही है। ये देखिए ये सरफिया का ये मेन रोड है, फिर मेन रोड के अंदर से ये गली वगैरह ऐसे ऐसे गई है। और इधर भी देखिए मार्केट वगैरह, ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आओ ना। ये देखिए माशाल्लाह, ये मुझे लगता है ये मेन मार्केट है पूरी, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा कटरा बना हुआ है, काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे। देख रहे हैं पूरा ये मेन मार्केट मुझे लगता है पूरा, ऐसे देखिए चारों तरफ से कटरा है, सब दुकानें हैं। और यहाँ पर भी बिल्डिंगें वगैरह थी, सब टूट टूट गई हैं, दिखाते हैं आगे। अब जो भाई शर्फिया में रहे होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थीं और क्या क्या चीज़ें टूट चुकी हैं और क्या बची हुई हैं। इधर देखिए पूरी मार्केट, यहाँ पे बिल्डिंगें जो थी टूट गई हैं, अब वो नई बनेंगी क्या है वो तो अल्लाह वालम। देख रहे हैं ये सब पूरी मार्केट है, पूरी शर्फिया जो है ना ये मार्केट है और रिहाइश है। यहाँ पे इंडियन लोग की रिहाइश ज़्यादा थी। ये हलवात अल मदीना है देखिए, और ये यहाँ की मस्जिद है। चलिए आगे कुछ व्यू और दिखाते हैं आप लोगों को, ये तो गली गली दिखाए, थोड़ा सा रास्ते वस्ते मेन रोड दिखाते हैं। तो इस शॉप में हमारे शकील भाई जा रहे हैं शूज लेने के लिए, तो चलते हैं देखते हैं कि शकील भाई को कौन सा शूज पसंद आता है। सरफिया की शूज मार्केट है ये,
शर्फिया की शूज शॉप। शकील भाई को शूज लेना है। हाँ शकील भाई, किस लिए ले रहा है? दौड़ने के लिए, जॉगिंग करने के लिए ले रहे हैं भाई। कितने का है ये बता रहे भाई साहब? 65 रियाल, 65 रियाल का है। कौन सा कंपनी है भाई? चाइना, मेड इन चाइना होगा। और कौन सा? यहाँ पे लेडीज लोग के लिए है। लेकिन शकील भाई हमारे शूज ले चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं बाहर। अब यहाँ से सीधे चलेंगे किसी और शहर में, किसी और सिटी में, देखते हैं कि वहाँ का कैसा व्यू है। देख रहे माशाल्लाह, वैसे ईद का टाइम है इसलिए कुछ दुकानें यहाँ पे बंद है और काफी दुकानें यहाँ पे खुली हुई भी हैं। हालांकि ये शर्फिया में तकरीबन मैं कुछ नहीं तो 10 साल के बाद आ रहा हूँ। देख रहे हैं मेरे दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। बाकी उधर भी देखिए पूरी टूट चुकी है, उधर भी जो एरियाज थी, जो बिल्डिंगें थी, ऐसे ही सब बिल्डिंगें थी वहाँ पर टूट चुकी हैं। और ये सब देखिए, सब जितनी ये सब दुकानें हैं सब अभी बंद है। हो सकता है एक दो दिन में खुले, क्योंकि ईद का टाइम है ना, इसके लिए ये सब बंद है। तो मेरे दोस्तों अभी हम शर्फिया पूरा देखिए घूम चुके हैं, अब सीधे यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ और चलते हैं अब दूसरी एरिए में। तो सोचा निकलते निकलते कुछ भी और आप लोगों को दिखा दूँ। तो बहुत ही खूबसूरत जो है कि ये मार्केट, ये इलाका, ये एरिया था। कुछ बचा है? कुछ बचा है, कुछ टूट चुका है। हो सकता है टूटने के बाद जो है कुछ और अच्छी चीज़ बने यहाँ पे। कहाँ? राइट साइड सीधे तो सीधे चल रहे हैं। देखिए ये ब्रिज है, अब ये हम लोग आ गए मेन रोड पे। शर्फिया यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और ये देखिए शर्फिया की कुछ एरिया ये टूट चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब GCP वगैरह सब लगी हुई है। राइट साइड में जितना देख रहे हैं पूरी बिल्डिंगें थी, सब कुछ टूट ताड़ के ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।